दुख भंजन सावित्री जी के नंदन, सुन लो होमगार्ड्स पुकार, योगी जी विनती बारंबार। मुजफ्फरनगर में होमगार्ड कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंचे और नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में कुछ देर तक कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने के बाद सभी होमगार्ड इकट्ठे होकर शहर की सड़कों पर होते हुए शिव चौक मुख्य चौराहे पर पहुंचे, जहां पर हाथों में कटोरे लेकर सभी होमगार्ड ने भीख मांगी। प्रदर्शन कर रहे सभी होमगार्ड यूपी सरकार के द्वारा 25,000 होमगार्डों की ड्यूटी खत्म करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 25,000 होमगार्ड बेरोजगार हो गए हैं। योगी सरकार ने सोमवार को बजट का हवाला देकर इनकी ड्यूटी खत्म कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के बराबर वेतन किए जाने के बाद बजट का भार बढ़ गया और इसे बैलेंस करने के लिए होमगार्डों की छटनी हुई है। होमगार्डों को 25 दिन के बजाय अब 15 दिनों की ड्यूटी मिलेगी। सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए मुजफ्फरनगर में होमगार्ड सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने पहले कलेक्ट्रेट जाकर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद सभी होमगार्ड सड़कों पर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगने लगे। भारी संख्या में होमगार्ड शिव चौक पर पहुंचे, जहां भी विरोध प्रदर्शन करते हुए भीख मांगी। इनका कहना है कि होमगार्ड की सैलरी देकर सरकार का बजट खराब हो गया, जिसे सही करने के लिए भीख मांग रहे हैं। 25,000 होमगार्डों की सेवा समाप्त के आदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में होमगार्डों में खलबली मच गई है। जी हाँ, उस दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 25,000 होमगार्डों की सेवा समाप्त के आदेश जारी किए थे। यहाँ पर एक खलबली मची हुई है। 25,000 होमगार्डों के परिवार का पालन पोषण आखिर कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। देखिए, हम दिखा रहे हैं यहाँ होमगार्ड खड़े हुए हैं, देखिए किस तरह यहाँ पूरे दिन अपनी ड्यूटी निभाते हैं और व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल होता है, 25,000 जो होमगार्ड हैं उनके परिवार का पालन पोषण का जिम्मा आखिर कौन उठाएगा। ये सरकार को एक आदेश पारित किया था, उससे पहले आखिर इस चीज़ को सोचना था, एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए किस तरह यहाँ पूरी मगर इसका सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर उन परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ के कि मुजफ्फरनगर में भी होमगार्डों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के पास आकर भीख मांगी है, जो जिस तरह से अभी खबर में दिखाया जाएगा। और एक बड़ी भ्रमना वाली बात है कि इस तरह सेवा समाप्त कर दी गई है और वो क्या सरकार गौशाला बनाने में खर्च कर रही है, यहाँ मंदिर बनाने में खर्च कर रही है। आखिर सेवा समाप्त करके आखिर क्या सरकार को फर्क पड़ गया है। कैमरामैन जेएल कश्यप के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम इंटर न्यूज़ आगरा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।